हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गियों के बारे में। हम जब भी अंडे के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो भी हमारे मन में बहुत सारे सवाल आता है कि सबसे अच्छा ब्रीड कौन सा होगा, हमारे इंडिया में खर्चा कौन सा मुर्गी में कम होगा और ज़्यादा अंडे हमको मिलेंगे। तो इन सारे बातों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत दिनों से मैं रिसर्च कर रहा था और मेरे रिसर्च के हिसाब से मैंने ऐसे टॉप 4 मुर्गियाँ का नस्ल मैंने चुना है जो हमारे इंडिया के लिए बेस्ट है, जिस पर खर्चा भी हमारा कम होता है और अंडे भी बहुत ज़्यादा देती है। दोस्तों, मेरे लिस्ट में हमारे इंडियन जो कड़कनाथ ब्रेड है या सोनाली है या ग्रामप्रिया है, इनमें से एक भी मुर्गी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से इन मुर्गियों से हमें उतना अंडे नहीं मिलेगी जितना हमें चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि वो 4 ब्रीड कौन सा है जो हमें सबसे ज़्यादा अंडा देती है, वो भी हमारे इंडिया पर। मेरे लिस्ट में नंबर 4 पर है सुसेक्स मुर्गियों का प्रजाति। ये इंग्लैंड का प्रजाति है जो काफ़ी बड़े आकार के लिए जाने जाते हैं। मेल का वजन 4 और फीमेल का 3 केजी से ऊपर होता है और ये 20 हफ्ते में अंडे देना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, इसका अगर हिसाब करें तो एक साल में 250 से ऊपर अंडा देते हैं और अंडा भी काफ़ी बड़ा साइज का होता है, लगभग 60 ग्राम इसका वज़न होता है अंडे का। अगर अंडे का कलर की बात करें तो 3 कलर पे मिलता है, ब्राउन, क्रीम और टैन। तो दोस्तों, सुसेक्स की अगर चूजे की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे फार्मर जो है इसका चूजे सप्लाई करते हैं, खास करके कर्नाटक के कोलार ज़िले में जो श्री विशु फार्मिंग है वो सुसेक्स प्रजाति के चूजे के लिए जाने जाते हैं। तो आप श्री विशु फार्मिंग से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं चूजे के लिए। दोस्तों, मेरे लिस्ट में जो तीसरा नंबर का सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गी है उसका नाम है ब्लैक एस्टोलोप। ये ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिन है। दोस्तों, ये मुर्गी जो है ये 6 महीने के भीतर ही अंडे देना स्टार्ट कर देती है और ये हर जगह पर फिट हो जाती है, चाहे गर्मी का मौसम हो या ठंड का मौसम। और ये मुर्गी आपका 6 से 10 साल तक एवरेज इसका लाइफ स्पेन है और अंडे भी 250 से ऊपर ही देते हैं। दोस्तों, इंडिया की हर प्रदेश पर, लगभग हर प्रदेश पर ब्लैक एस्टोलोप का फार्मिंग की जा रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंडे देती है और ख़र्चा भी बहुत कम होता है। तो इसका जो अंडे है ये देखिए ब्राउन कलर का होता है। ब्लैक एस्टोलोप के प्रजाति के लिए आप पोल्ट्री पशुपालन योजना सेंटर बेलगाम कर्नाटक और कमली पोल्ट्री सर्विस सांगली महाराष्ट्र, तो आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए वहाँ से आराम से मिल जाएंगे, वो लोग ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से जो दूसरा नंबर का सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियाँ है वो है RIR यानी रोड आइलैंड रेड। यह प्रजाति वैसे तो USA का है लेकिन आजकल तकरीबन दुनिया की हर कोने पर इसके फार्मिंग की जाती है, खास करके अंडे के लिए। ये काफ़ी सारे अंडे देती है और इसका मेच्योरिटी जो है वो 18 से 20 सप्ताह से ही अंडे देना स्टार्ट कर देती है। और ये देखिए वज़न, तो वज़न भी अच्छा खासा होता है मुर्गियों का। अगर इन मुर्गियों के अंडे की बात करें तो अंडे का जो कलर है वो है ब्राउन और साइज भी 53 से 55 ग्राम, यानी अंडे भी थोड़ा बड़ा ही होता है, उतना छोटा नहीं होता। दोस्तों, इन मुर्गियों का जीवन काल लगभग 8 साल के आसपास होता है, लेकिन अंडे जो है वो आपका 3 से 4 साल तक पीक प्रोडक्शन है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिरना शुरू होता है। तो अभी चूजे की बात करें कि चूजे कहाँ से खरीदे, तो ये देखिए मैंने 3 एड्रेस वीडियो पे डाला हुआ हो, जहाँ पर तकरीबन 25 के आसपास आपको चूजे आराम से मिल जाएंगे, वो लोग ऑल ओवर इंडिया पर डिलीवरी करता है। इन प्रजाति का मुर्गी भी किसी भी वातावरण पर आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे टेम्परेचर लो हो या हाई हो। और साथ में एक बात बता दो कि इन मुर्गियों पालन में खर्चा बहुत कम होता है, खास कर फीडिंग पर, जिसके लिए ये काफ़ी पॉपुलर है। मेरे लिस्ट में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली की मुर्गियों का जो प्रजाति है वो है व्हाइट लेग हॉर्न।
दोस्तों ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडे देने के लिए मशहूर है। इन मुर्गियों का जो कलर है वो वाइट होता है, और दोस्तों इसका ख़ास बात ये है कि इन मुर्गियों का जो अंडा होता है वो भी वाइट कलर का ही होते हैं। इसके पहले जितना भी मैंने ब्रेड दिखाया सभी का ब्राउन कलर का होता है, लेकिन ये अकेला ऐसा मुर्गी है जो वाइट कलर का, प्योर वाइट का अंडा देती है। तो अगर साइज़ की बात करें तो इन मुर्गियों का जो साइज़ है वो मेल आपका तकरीबन 3.4 केजी और फीमेल 2.5 केजी के आसपास ही होता है। दोस्तों अगर इन मुर्गियों का हम अच्छे से देखभाल करें, खान पान का थोड़ा ध्यान दें, तो ये हमें 300 से ऊपर अंडे दे सकता है साल भर में। हाँ, तकरीबन 280 से लेकर 320 अंडे ये एक साल में देती है। इन मुर्गियों के अंडे का साइज़ भी अच्छा ही है, तकरीबन बड़ा ही हम कह सकते हैं। अंडे का साइज़ जो है वो एवरेज 55 ग्राम के आसपास ही होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर जितना भी ब्रेड दिखाया वो सब ब्रेड में एक चीज़ कॉमन है कि ये हर महल पर घुल मिल जाते हैं, यानी चाहे इंडिया हो या चाहे इंग्लैंड हो या चाहे जापान हो, किसी भी महल पर ये आराम से घुल मिल जाते हैं। तो हमारे इंडिया में भी इन मुर्गियों का बहुत ही ज़्यादा पालन की जाती है। तो चूजे हमको कहाँ से मिलेंगे, अगर उस बात का हमें जवाब चाहिए तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर दो डीलर का एड्रेस डाला हुआ हो, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपका हर एक चूजे का कीमत 120 के आसपास आराम से मिल जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर फिर एक बात का क्लियरिटी आपको देना चाहता हूँ कि मैंने इंडियन ब्रेड जो कड़कनाथ है, चाहे ग्राम प्रिया या चाहे सोनाली हो, उन मुर्गियों को मेरे लिस्ट में मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ अंडे के लिए जो हमें कम खर्चा पर ज़्यादा अंडे देगी उन मुर्गियों का ही मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ अंडे के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो मैंने जो भी यहाँ पर चार जो सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियों की नस्ल के बारे में बताया, तो इन चारों में से किसी एक नस्ल आप ख़रीद लीजिए और आपका जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप जितने लोगों के पास जाओगे, जितने लोगों के आप पूछोगे, उतने ही आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इन चारों में से किसी एक को आप चूज़ कीजिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।